नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको SSC सिलेक्शन पोस्ट 10 की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा या एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आना है सर्वप्रथम अपने मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद यहाँ पर आपको SSC डाल के सर्च कर लेना है। किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में SSC डाल के सर्च कर लेना। जैसे ही आप SSC डाल के सर्च करते हो तो जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट का लिंक है, वहां पर आपको इसी पे आपको टच कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो इसकी SSC की ऑफिशियल साइट होती है वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहां से SSC के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपको इसे डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन करना है जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो यहां पर आपको इसे डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन हो जाएगा, तो आप इस कंप्यूटर की तरह डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन करना है। उसके बाद यहां आपको लेटेस्ट न्यूज देखना है। लेटेस्ट न्यूज में जो अपडेट होता है यहां पर दिखाई देता है। आप लॉग इन करना है तो यहां से आप लॉग इन कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट और कैप्चा कोड फिल करके अपनी प्रोफाइल ओपन कर सकते हो। तो यहां से हम लेटेस्ट न्यूज में आते हैं। उसके बाद आपको यहां 6 जुलाई को जो एक न्यूज आई थी जो इसमें लिखा गया है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में जितने भी एग्जाम है उन सभी का शेड्यूल इसमें दिया गया है। तो आपको यहां ऊपर दिखाई देगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो CGL का जो पेपर सेकंड है उसका भी यहाँ पर आया था। उसके बाद सेकंड में यहाँ पर आपको 6 जून को जो आया था यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ से हम बताते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो है सिलेक्शन पोस्ट का कब तक आएगा और कब आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेक्शन पोस्ट का एडमिट कार्ड सिलेक्शन पोस्ट 10 का। तो यहाँ पर आना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करने लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको अगर आपके मोबाइल में PDF रीडर है तो वहाँ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको PDF रीडर जो है प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ आपको लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है अपना इन्फॉर्मेशन जो है फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट और कैप्चा कोड। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ हमारा PDF जो है यहाँ पर फिल ओपन हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं, जैसे आप कैप्चा कोड वहाँ पर फिल करोगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपका एडमिट कार्ड आया होगा तो आपकी प्रोफाइल में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो आप उसे चेक कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ आपको दिखाई देगा कि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है जो अगस्त में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनका शेड्यूल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आपको देखने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो दिखाई देगा सिलेक्शन पोस्ट 10 की वैकेंसी का जो आया था वही आपको दिखाई देगा। जो इसका एग्ज़ाम है 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में होगा। जितने भी बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है सभी का जो है 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सभी का पेपर होगा। तो पेपर के एक वीक पहले आपका जो है फॉर्म स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप फॉर्म स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म स्टेटस चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। यहाँ पर आपको 1 अगस्त से 5 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम जो है होगा, सभी का जो है ऑल इंडिया का एग्ज़ाम जो है 1 से 5 अगस्त तक होगा। उसके बाद यहाँ CGL सेकेंड और CGL थर्ड का भी यहाँ ऑप्शन आया है, इसमें दिया गया है उसी मंथ में होगा। CGL सेकेंड पेपर जो होगा उसका इसी मंथ में होगा। उसके बाद CGL थर्ड का भी इसी मंथ में होगा, इसी PDF में उसका भी दे दिया गया है। तो आपको हम बता दें दोस्त कि आपका जो 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आपका जो है एडमिट कार्ड जो है उससे 5 डेज पहले आपका अगर आपका 1 अगस्त का जो है आपका पेपर है तो उसके 4 डेज पहले ही आपके प्रोफाइल में जो है आपका एडमिट कार्ड जो है अपडेट कर दिया जाएगा। नहीं तो आपका अगर आप ईमेल आईडी आपको फॉर्म फिल करते वक्त आप दिए होंगे तो उसमें आपको मैसेज आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम से फोर डेज पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। सभी का एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम का 4 डेज पहले आता है। 1 वीक पहले आपको जो है अपना स्टेटस चेक करने के लिए आता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर गया है और आपका जो है आपका किस डेट को पेपर है, इन सभी को आप पहले से चेक कर सकते हो। तो इसी चैनल पे बने रहिए, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो दोस्त चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्त इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि आपका पेपर किस डेट को होगा और आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 4 डेज पहले आएगा। सभी का जो है एग्ज़ाम के
फोर डेज पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे आपको फाइव, अगर आपका 5 अगस्त को जो है आपका पेपर है, तो आपको 1 अगस्त या 2 अगस्त का आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ अगर वो आपको 30 जून को भी आ सकता है, क्योंकि दोस्त यहाँ जो है अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी का पेपर जो है एक ही साथ में है, सिर्फ 5 डेज का इसमें मौका मिला है, आपका 5 डेज के अंदर ही सभी का पेपर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप वीडियो देख सके। यहाँ पर एडमिट कार्ड चेक करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ आपको आना है ऊपर, यहाँ एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा आपका रीजन। आप जितने भी रीजन होते हैं, जो भी इंडिया में जितने भी रीजन है, जितने भी रीजन द्वारा पेपर होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप अगर आप CR रीजन है या CR सेंट्रल रीजन है या साउथ रीजन है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ अगर सेंट्रल रीजन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है, एग्जाम के 4 डेज पहले ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ MTS का जो है एडमिट कार्ड सभी का आ गया है, जो MTS का पेपर चल रहा है, तो आप इसी प्रकार से MTS का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और सिलेक्शन पोस्ट 10 की जो वैकेंसी थी, उसका एडमिट कार्ड एग्जाम के 4 डेज पहले आएगा। आपका एग्जाम जो है 1 से 5 अगस्त के बीच में होगा, तो उसके 4 डेज पहले ही आपका जो है एडमिट कार्ड सभी का जारी कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।